हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, और तुम्हारा फिर से आ चुका है वापस एक और पबजी मोबाइल लेट्स रिलेटेड टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर वापस। तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। और भाई जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स वर्क कर रही है भाई, वो होने वाली है ओल्ड बेसन पैलेस पर, क्योंकि भाई आपको पता ही है ओल्ड बेसन कितना तगड़ा हॉट ड्रॉप है, और वहाँ पर हर मैच में इजली से 2 से 3 स्कोर आ जाती है, जिस वजह से वहाँ पर सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उतरते ही हमारी पेटी बन जाती है। तो भाई अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो भाई आप इजली लास्ट तक सर्वाइव कर पाओगे और आप वहाँ के किंग बन जाओगे ओल्ड बेसन के। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल पर न्यू, जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो साइड में जो बेल आइकन वाला बटन होता है उसको बटन के हेल्प से सेट कर लो, ताकि जब भी ऐसी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो यार अब बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स प्ले। जो हमारी फर्स्ट टिप निकल के आ रही है वो वर्क करते हैं इसी स्कोड हाउस पर। तो आपने देखा ही होगा काफ़ी ज़्यादा बंदे जहाँ पर इसकी टॉप वाली छत है ना, यानी कि ऑरेंज वाली है, इस पर काफ़ी ज़्यादा बंदे कैंप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर बंदों को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और यहाँ पर बहुत ही बेस्ट वाला व्यू मिलता है, इसलिए भाई चारों ओर के बंदे यहाँ से किल हो जाते हैं। तो इन कैंप पर बंदों को किल करने के लिए आपको उसके सेकंड फ्लोर पर आना है, और यहाँ पर जो दूसरा बॉक्स है ना आपको उसके ऊपर चढ़ जाना है। कैसे, जंप प्लस क्राउच दोनों को साथ में प्रेस करना है और आप इसके ऊपर आ जाओगे। फिर आपको अपने स्कैपैड को ओपन करना है और एग्जिट मारना है, तो जो उसकी छत होगी ना भाई पूरी की पूरी हाइड हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी, और आप जो भी बंदा छत पर बैठा होगा आपको इजीली सरेंडर हो जाएगा, और उस बंदे को आप आसानी से स्प्रे देकर उसे किल कर सकते हो। तो यार इस कैंपर को मारने के लिए इससे टॉप तरीका कुछ भी नहीं है, और काफ़ी आसान है, ये ग्लिच है यार, इसको आप जरूर ट्राई करना, और जो भी यहाँ पर छत पर बंदा कैंप करके बैठा होगा उसको आप आसानी से किल कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर पसंद आई होगी। तो यार जो हमारी सेकंड ट्रिप वर्क करती है वो आपने देखा ही होगा इस वाले घर पर वर्क करती है, काफ़ी ज़्यादा बंदे इस घर पर भी लैंड करते हैं, और यहाँ पर देखो होता क्या है, काफ़ी ज़्यादा बंदे स्टूडियो पर कैंप करके बैठ जाते हैं कुछ इस प्रकार से, या फिर ऊपर की साइड में बैठते हैं कैंप करके कुछ इस प्रकार से, और भाई उनके पास होती है S12 के या फिर RPG, और जो भी बंदा स्टूडियो से आता है ना वो उजली उनको इजली से फिनिश कर देते हैं। तो भाई इन कैंप पर बंदों को किल करने के लिए एक और गजब की ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको करना क्या होगा। तो जैसे ही आप इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हो ना, तो जो बाहर छजले टाइप होती है आपको यहाँ पर ही जंप करना है, और इसके थ्रू आपको इसके जो टॉप वाली छत है ना इसके ऊपर जाना है, फिर आपको यहाँ पर जो भी बंदा बैठा होगा इजली सरेंडर हो जाएगा, और उसको आप पीछे से आकर आप सरपाइज अटैक देकर उसे पेल सकते हो, या फिर जो भी नीचे बंदा कैंप करके बैठा हुआ स्टूडियो पर उसको भी आप आसानी से पेल सकते हो। तो यार ये भी काफ़ी कमाल की ट्रिप है, इसे जरूर फॉलो करना। तो यार जो माइटी नंबर 3 निकल के आ रही है वो आ रही है इन दो बिलोस पर, जो कि आपस में मिले हुए होते हैं। तो गाइज इनमें देखो वो तो क्या है, सेकंड फ्लोर पर या फिर यहाँ पर स्टूडियो पर बंदे टीपी पे लेकर बैठ जाते हैं S12 के लेकर, जैसे ही हम स्टूडियो से ऊपर आते हैं हमको इजली से पिल देते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है ना भाई। तो इन बंदों को किल करने के लिए एक और मैं गजब की ट्रिक बताता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। तो इन बंदों को किल करने के लिए यहाँ पे जो ड्रम होते हैं ना आपको इन ड्रम पर चढ़ जाना है, फिर आपको जो सामने छजली है ना आपको इस पर जंप करना है, और विंडो के थ्रू आपको अंदर घुस जाना है। अगर आपको यहाँ से एंगल मिलता है तो आप बंदों को यहाँ से पेल सकते हो, या फिर आपको यहाँ से एंगल नहीं मिल रहा है ना फिर आप इसके घर के अंदर रूम के अंदर एंटर हो जाओ, और जो भी बंदा आप स्टूडियो पर बैठा होगा उसको आप आसानी से पेल सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि इसके मतलब टॉप वाली छत पर बंदा कैंप करके बैठा है तो फिर आपको इस गेट का प्रयोग करना है, आप इस गेट पर चढ़कर सीधा ऊपर जा सकते हो, या फिर जो भी स्कोड या जो भी बंदा ऊपर कैंप करके होगा उसको भी आप पीछे से आकर आसानी से पेल सकते हो। तो यार ये काफी गजब की ट्रिप है, इसे जरूर फॉलो करना अपने गेम प्ले में। तो यार जो हमें टिप नंबर 4 है काफ़ी गजब की होने वाली है, जो कि वर्क करती है ओल्ड बेसन की इस वाली मेन बिल्डिंग पर। तो आप इसके अंडरग्राउंड ग्लिच कर सकते हो इसके अंदर, और जो भी बंदा यहाँ पर आएगा उसको आप आसानी से किल कर सकते हो। तो उसके करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो टेबल देख रहे हो ना सामने, इसके 3 छोर होते हैं, किसी भी छोर पर आपको पंच प्लस जंप दोनों को एक साथ में प्रेस करना है, और जो ये ग्लिच है इसके अंडरग्राउंड वाला ये हो जाएगा भाई। और यहाँ पर देखो क्या होता है, आपको यहाँ पर आकर चारों ओर का भाई ऐसा गजब का व्यू मिलेगा, बंदा आपको बिल्कुल भी रेंडर नहीं कर पाएगा, और जो कि जो आपका फायर रेट होगा ना भाई वो सारा बाहर की ओर जाएगा। लाइव प्रूफ के साथ आप देख पा रहे होगे कैसे मैंने एड्स डोर को तोड़ दिया है। तो जो भी आपका फायर रेट होगा ना भाई, आप चारों ओर का व्यू लेकर देखो कैसे भाई सामने बिल्कुल बिल्डिंग इजिली सरेंडर हो रही है जो हमारी बिल्डिंग है, और भाई जो हमारा फायर रेट है वो सारा बाहर की ओर जाता है। तो यार काफ़ी गजब का अंडरग्राउंड ग्लिच है, इससे आप जरूर ट्राई करना अगर आप यहाँ पर ओल्ड बेसन पर आते हो, और यहाँ पर आप इस ग्लिच को करके सर्वाइव कर सकते हो, और काफ़ी एनिमी को आप किल भी कर सकते हो। यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसे जरूर ट्राई करना यार। तो यार जो माय टिप नंबर 5 है काफ़ी ज़्यादा डेंजर और काफ़ी खतरनाक होने वाली है, क्यों आप भाई वो पिंक हाउस देख रहे हो ना सामने, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे भाई का तगड़ी कैंपिंग करके बैठ जाते हैं। तो भाई आप इसके अंदर भी अंडरग्राउंड ग्लिच कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास एक आइस बॉल होनी चाहिए, और आइस बॉल को आपको लो टॉस पर ऐसे डालना है जैसे मैं डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे आप इसको यहाँ पर लोटोस पर डालोगे वो तो आप ऑटोमेटिकली एक ही झटके में आप इसके अंदर आ जाओगे। आप लाइव प्रूफ के साथ मैं देख पा रहे हो कैसे मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे आप इसके अंदर आते हो ना
तो भाई पूरा ओल्ड बेसन का व्यू लेकर आसानी से बंदा को किल कर सकते हो, या फिर जो भी बंदा इसी स्क्वाड उसके अंदर बैठा होगा उसको आप स्प्रे देकर आसानी से किल कर सकते हो। तो भाई मैं लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो भी इसका फायर रेट होगा। सिंपल जैसे मैंने आपको 4 ट्रिप में बताया था ना, बिल्कुल भाई जो फायर रेट होता है सारा बाहर की ओर ही जाता है और आप बिल्कुल बंदों को इजीली तरीके से मार सकते हो। और यार इसका काफ़ी ज़्यादा बहुत तगड़ा एक एडवांटेज और है, अगर बंदों को आपकी लोकेशन पता चल जाती है ना कि भाई बंदे ने ग्लिच करके रखा है, तो अगर आपके पास नेड या फिर कोई भी फायर रेट मतलब फायर करता है ना, तो भाई आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला और आपको कुछ भी नहीं होगा भाई, आप एकदम सेफ तरीके से इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से रहोगे। सब करो यहाँ पर लास्ट जोन बन जाता है, तो भाई आप इसको फॉलो करना और भाई क्या ही बोला जाए, चिकन डिनर आप ही का होगा भाई। और भाई आप आसानी से बंदों से किल भी कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखो क्या आती है, बंदे बोलते हैं कि भाई इससे बाहर नहीं जा, मतलब इससे बाहर कैसे निकले, गिल से बाहर नहीं निकल जाता। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने इसके पैड को ओपन करना है और आप इससे एक झटके में बाहर भी आ जाओगे। काफ़ी ज़्यादा ईजी है भाई, जैसे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आपको बाहर कैसे निकलना है। आपको अपनी इसकी स्काई पैड होती है ना जो, अपना बैकपैक खोलना है और स्काई पैड को ओपन करना है और ऑटोमेटिक आप इससे बाहर भी आ जाओगे। देखो कैसे मैं इससे बाहर आ गया, तो भाई इसे ज़रूर ट्राई करना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत ही ईजी ग्लिच है, लेकिन इसे करने के लिए आपके पास आइस बॉल होनी ज़रूरी है तभी ये वर्क लगे, नहीं तो भाई आप नहीं कर पाओगे। तो यार जो हमारी लास्ट की टिप है यानी कि टिप नंबर 6 वर्क करते हैं स्कोड हाउस पर। तो अगर आपको लग रहा है कि स्कोड हाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग हो रही है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बंदे यहाँ पर सीढ़ियों पर कैंप करके बैठते हैं या फिर जो सेकंड फ्लोर है उस पर कैंप करके बैठते हैं, जैसे एम पर अटैक होने वाला है या फिर कोई आप पर स्कोड रस करने वाली है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे कैंप करके पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर तगड़ी कैंपिंग करके बैठ रहते हैं। तो इन कैंप पर बंदों को किल करने के लिए मैं आपको एक और गजब की ट्रिक बताता हूँ, वो भी काफ़ी दासू तरीके से ध्यान से देखना। तो जैसे आप इसके नीचे आते हो ना फर्स्ट फ्लोर पर, आपको ये जो मेज टाइप दिख रहा है ना आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है, फिर यहाँ पर आपको बैकपैक ओपन करना है और एग्जिट मारना है, तो आप ऑटोमेटिकली एक झटके में इसके सेकंड फ्लोर पर आ जाओगे। आप लाइव प्रूफ के साथ मैं देख पा रहे हो कैसे मैं इसके सेकंड फ्लोर पर आ गया हूँ। फिर आपको यहाँ पर जो भी बंदा कैंप करके बैठा होगा स्टूडियो पर या फिर घर में या फिर बालकनी पर, उसको आप आसानी से किल कर सकते हो। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक है, इसे ज़रूर फॉलो करना। और इस ट्रिक को मैं अपने गेम प्ले में फॉलो करता हूँ, और यहाँ पर बंदा लग रहा है मेरे को आप बंदे होते हैं, तो यार इसको मैं भी फॉलो करता हूँ, काफ़ी गजब किया है, तो इसे भी देख लेना यार। तो यार ये थी हमारी टॉप 6 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि ओल्ड बेसन पर वर्क करती थी, जो कि मैंने आप लोगों को फुल डिटेल में बता दिया है। तो यार आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर पसंद आएगी। तो अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया तो फटाफट से जब वीडियो को लाइक कर दो। अगर एक रिक्वेस्ट और है यार आप लोगों से भाई, अगर चैनल पर न्यू और आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें कोई फाइन और कोई चार्ज नहीं होगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और भाई इसमें आप लोगों को ये फायदा है ताकि जब भी ऐसी अगली वीडियो आए तो भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।